नमस्कार, मैं पूजा शर्मा, आप सभी का स्वागत है G20 निपुण भारत मिशन शैक्षिक गुणवत्ता सेमिनार एवं एडु लीडर्स यूपी सम्मान 2023 समारोह में, जिसका भव्य आयोजन वाराणसी के सन बीम इंटरनेशनल वरुणा के सभागार में 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। प्रदेश के 75 जनपदों से चयनित 75 शिक्षकों का एडु लीडर्स टीम द्वारा भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर स्नेहपूर्वक स्वागत व सम्मान किया गया। सुदूर जनपदों से आए शिक्षक साथियों के लिए जलपान व भोजन की यथोचित व्यवस्था की गई। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। 5 अक्टूबर 2023 को सनबीम स्कूल वाराणसी में आयोजित G20 निपुण भारत मिशन शैक्षिक गुणवत्ता सेमिनार तथा एडु लीडर्स यूपी अवार्ड समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में टीम एडु लीडर्स द्वारा अपने स्कूलों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे सभी 75 जनपद के 75 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिन्हें एडु लीडर्स यूपी सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एडु लीडर्स यूपी प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत स्वप्रेरित ऊर्जावान टेक्नोसेवी शिक्षकों का एक स्वतः स्फूर्त समूह है, जो शिक्षकों के व्यावसायिक क्षमता वृद्धि, उनके कार्यों को प्रोत्साहन, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को सुनिश्चित करने। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके किया गया। नारदादि योगि वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाभितारकं परं नीलकंठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम्। सर्वेश्वर मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि जी को और विशिष्ट अतिथि को बेहद अलंकृत करके उनका मान सम्मान के वर्धन में एक नया आयाम रचें। आदरणीय श्री विष्णु जी। कितनी श्रद्धा छुपाए बैठे हैं मेरी शान। आदरणीय सर का आदेश है कि मैं इन सभी नवोन्मेषित शिक्षकों का शिक्षकों के द्वारा अपने नवाचारी प्रयासों का प्रेजेंटेशन भी दिया गया। क्या कहते हैं, प्रवेश लेने के लिए आने। मैंने कहा यहाँ की संख्या बहुत कम है और हम लोगों को कुछ और प्रयास करना चाहिए। अब ये ऐसा इस ऐसे गांव पिछड़े गांव के बच्चे हैं सर, बहुत ही पिछड़े गांव के। धन का जो देना हो उदाहरण पन्ना धाए झांसी वाली रानी लिख दीजिए और सारी वसुधा को परिवार जो बनाना हो तो मेरे हिंदुस्तान की जवानी लिख दीजिए। सारी वसुधा को परिवार जो बनाना हो तो देखिए मेरे प्रयास में की स्थापना हो चुकी है, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से सारे बच्चों को बिठा के, तो उससे क्या होगा, बच्चों का रिपीटिशन होगा। जैसे आपके क्लास में 20 बच्चे हैं तो बच्चों का 20 बार रिवीजन होगा। एक से छह दिन के बीच में कौन कौन से दिन से कौन सा कार्य होगा। मैं आदरणीय डॉक्टर सर्वेश मिश्रा सर, जो हमारे नेतृत्व करता है और हमारे हमको आगे लेकर के बढ़ने वाले हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप उन्हें सर को स्मृति चिन्ह दें कि हम उनके उर में, उनके हृदय में हमेशा स्थान बनाए रखें। जोरदार तालियां, आपकी तालियां ये रुकनी नहीं चाहिए, एक ऐसा क्षण है ये नायाब क्षण। उसी के क्रम में मैं आदरणीय सर्वेश मिश्रा सर से निवेदन करूंगा, आदरणीय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय को भी स्मृति चिन्ह दें, जिन्होंने हमें ये ऐसा वातावरण, ऐसी चीजें उपलब्ध कराई है। और उसी के क्रम आपके नवोन्मेषी प्रयास हैं, जिनका विमोचन आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा कर कमलों के द्वारा होने जा रहा है। इस अनमोल क्षण को सहेज ले आप। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी श्री हिमांशु नागपाल जी ने अपने प्रेरक वचनों के द्वारा शिक्षकों को ऊर्जान्वित और लाभान्वित किया। स्कूल का मतलब उसके बच्चों से होता है, बच्चे परिवार से आते हैं, परिवार में उसके अभिभावक भी हैं, उसकी परिस्थितियां भी हैं, उसका आर्थिक सामाजिक इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर्स भी हैं, उसका पोषण भी है, उसका मानसिक क्या स्थिति है, परिवार में क्या चल रहा है, किस स्थिति से वो बच्चा आता है। ये सब चीजें जब आप एक होलिस्टिक एनवायरमेंट में देखते हैं तब आप बच्चों की शिक्षा को देख सकते हैं। ये जरूर हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जैसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कायाकल्प ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कार्य किए गए, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर अब जब हम दूसरे लीप की तरफ बढ़ रहे हैं, निपुण कार्यक्रम की तरफ, तो उसमें जरूरी है कि आप जब आप एफएलएन पे काम करते हैं, सिर्फ आप बच्चों को वहां बैठकर पढ़ाकर
बिना अगर हम उसकी जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो डिलीवर कर पाएंगे बट लॉन्ग टर्म में उस बच्चे की जिंदगी को चीज नहीं कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जितनी कार्यशालाएं ऐसी देख रहे हैं जहां टीचर नेतृत्व कर रहा है उसके जनक आप दोनों, तो हम दोनों सरकार, इसलिए मैं चाहता था कि आदरणीय मणिराम सर आए और आप आजमगढ़ से चल के आए हैं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था आपके पास बिल्कुल समय नहीं था। ये स्वप्रेरित ऊर्जावान टेक्नोसेवी परिषदीय शिक्षकों का स्वतः स्फूर्त समूह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो हो गई है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्रेरक उद्बोधन की गई गई बातों को हम गठरी बना करके उस पथ पर चलेंगे और सफलता अर्जित करके प्रदेश को निपुण बनाएंगे। अपने अपने जनपदों में छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पण भाव से कार्य कर रहे सभी चयनित शिक्षकों को मोमेंटो व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, उनका उत्साह वर्धन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में रहे श्री हिमांशु नागपाल जी आईएएस मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी, डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी सहायक शिक्षा निदेशक जनपद वाराणसी, डॉक्टर अरविंद पाठक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद वाराणसी, प्राचार्य डायट आज श्री मनी राम सिंह जी निदेशक राज्य हिंदी संस्थान, श्री प्रदीप कुमार जी वाराणसी और नारी शक्ति की प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलम मिश्रा जी के द्वारा सभी को मोमेंटो व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री सर्वेश मिश्रा सर व एडु लीडर्स टीम का हार्दिक धन्यवाद व आभार, जिन्होंने शिक्षकों को एक मंच प्रदान किया अपने अपने नवाचारों को प्रस्तुत करने के लिए और सभी को प्रोत्साहित करने के लिए, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद व आभार। Thank you for watching School Activities Pooja Map.